नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की घुस दिल्ली तक। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में बांटेंगे 70,000 नियुक्ति पत्र। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारे शूटर शनी सिंह को आज हमीरपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व विधायक की पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को सीलमपुर से गिरफ्तार किया। घटना कश्मीरी गेट इलाके की है। दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय अबुल फजल इनक्लेव निवासी अरमान अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। इसके साथ ही जांच में पाया गया कि युवक नशे का आदी था। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में एक कपल रहता था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद युवती ने अपने पार्टनर पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी दिल्ली के एक अपार्टमेंट में आग लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना द्वारका इलाके की है, जहां बुजुर्ग को घर में बंद करके बेटी दामाद बाजार गए थे। इसी दौरान फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दम घुटने से बुजुर्ग की मौत हो गई। दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।